यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। राज्य के पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिलान्यास समारोह में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर भारी चिंता जताई है। कहा, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा मात्र शिलापट अनावरण पर किया गया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि मंडल गांव से कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा विफल करने के लिए विस्थापितों को प्रलोभन दिए गए, 15-15 लाख रुपए की बोली लगाई गई और इसके लिए आयुक्त उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक को भी लगा दिया गया। कहा कि बरवाड़ी जेल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ संकल्प लिया है, बृहत स्तर पर समारोह का आयोजन मात्र चुनाव स्टंट है और उत्तर कोयल विद्युत मंडल डैम परियोजना के लिए इतिहास लिखा जाना प्रारंभ हुआ है। कहा, पलामू गढ़वा और चतरा जिले में उपयोग के बाद बचा हुआ पानी ही बिहार राज्य के लिए छोड़ा जाएगा। विस्थापितों के लिए उचित पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। वहीं गौर करें तो मंडल डैम परियोजना की शुरुआत 70 के दशक में हुई और जानकारी के अनुसार 1991-92 तक कमोबेश परियोजना कार्य चलता रहा। उस समय यह परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ी या फिर और किन्हीं कारणों से, पर एक बात तो स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पूर्ण कराने में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रतिबद्धता नहीं दिखलाई गई, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव रहा। ऐसे में अब वर्तमान भाजपा की सरकार मंडल में परियोजना पूर्ण कराने के लिए गंभीर दिखलाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कमर कसे इसका श्रेय भाजपा की सरकार के पक्ष में जाने देने के मूड में तनिक भी नहीं है। स्पष्ट है राजनीति के बजाय अब मंडल डैम पर फिर से ऊंची राजनीति शुरू होती जान पड़ती है। कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कहा कि उत्तरी कोयल को कांग्रेस के नेता यह नहीं जानते कि यह नदी है कि पक्षी है। उनका इशारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ था। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि उत्तरी कोयल परियोजना 1970 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी तो यह जानती थी कि मैं उत्तरी कोयल परियोजना की स्वीकृति दे रही हूँ। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीति में नहीं हो, राजनीतिक जीवन में नहीं हो। जब मलय डैम की स्वीकृति कांग्रेस के नेताओं ने दी थी तो ये जानती थी कि मलय परियोजना चल रही है। जब बटाने की स्वीकृति कांग्रेस के नेताओं ने दी थी तब वो जानते थे कि बटाने परियोजना हम बना रहे हैं। जब ओरंगा की स्वीकृति कांग्रेस के नेताओं ने काशी सोत की स्वीकृति दी थी तो जानते थे कि ये नदियाँ कहाँ हैं और इसकी स्वीकृति हम कैसे दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात छोटी है कि कांग्रेस के नेता नदी के बारे में यह नहीं जानते कि वो नदी है कि पक्षी है। रामगढ़ और भंडरिया में हमारे भाई जो जंगल में रहते हैं वो भी बात करते हैं तो इससे बड़े स्तर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक स्तर से बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने बरवाडीह के कारागार में 2 संकल्प लिया है। पहला संकल्प लिया है कि मंडल डैम का जो पानी है मोहम्मदगंज बराज के पहले और 2 बराज बनेंगी जिस बराज में के माध्यम से पानी पलामू गढ़वा लातेहार और चतरा जिलों में जाएगा, जो और जलाशय हैं मलय बटाने ओरंगा तहले काशीसोत इन जलाशयों को फीडर दिया जाएगा, पानी फीड किया जाएगा खत्म होने के बाद और इसके बाद बचा हुआ पानी बिहार राज्य को हम लोग मोहम्मदगंज बराज के माध्यम से देंगे। बिहार भी हमारा बड़ा भाई है,
उसे भी पानी देंगे, लेकिन पहले अपने इस्तेमाल करेंगे इसके बाद देंगे। दूसरा, हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, संकल्प लिया है, वचन लिया है कि जो मंडल डैम में 15 गांव के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, वहां से जिनका घर हम उजाड़ेंगे, जिनका जमीन हम पानी में डुबाएंगे, उसके पहले, उजाड़ने के पहले उनको विस्थापित करेंगे, उनको घर देंगे, भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उनको मुआवजा देंगे और उनके परिवारों को, हर परिवार को में से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तभी उनको हम उजाड़ेंगे। ये दो संकल्प बरवाडी कारागार में कांग्रेस पार्टी ने लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने लिया है।